से तू बोल, प्यार से तू बोल मेरे यार। क्या पाँव है भाई, भाई इन्हें जमीन पर नहीं हमारी छाती पर रखिए ना यार। क्या कमर है, क्या लचक है, वाह क्या बाल है, जैसे सूरज की किरणों को किसी ने बांध लिया हो। सही बात है यार। हाय क्या चाल है, जैसे मन में कुदकुदी हो रही हो। आए हाय ये गुलाबी होंठ, जैसे फूलों की सारी लाली चुरा ली हो। ये हिरनी जैसी आंखें, हाय मैं मर जावां। जाने मन इन प्यारे प्यारे हाथों से हमारे मुंह में भी। मुंह की बजाय मुंह पर दे दिया। ये हुई ना बात, विजय के लिए इससे बेहतर और कोई भला हो नहीं सकती। अरे है का वो यार, वो रही सामने रंग बिरंगे कपड़े पहने हमारी तरफ ही आ रही। अरे क्या बात है गोपाल, जिंदगी वाकई संवर जाएगी। नजदीक संभल कर जाना वरना सूरत बिगड़ जाएगी। अच्छा अगर ये बात है तो लग गए शायद, मैं तुम्हें 100 का भाव देता हूँ। तो मेरे भी लग गए 50। 100 का भाव है ना। हाँ। अब देखना विजय का फॉर्मूला 44। अरे ये तो लंगड़ा है। हाँ हाँ लंगड़ा हूँ मैं। अरे गोली मार दो मुझे, पहाड़ी से फेंक दो मुझे, आप जैसे खूबसूरत और पूरे इंसानों के बीच मुझ जैसे अधूरे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। क्या हुआ? क्या बात है लड़कियों? मैं बताता हूँ। हाँ। मैं लंगड़ा हूँ सर, और इन लोगों को मेरा लंगड़ा होना पसंद नहीं। अब आप ही बताइए, अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया तो इसमें मेरा क्या दोष है? अब ठीक हो ना? साला कलाकार जी बीमार है ना, क्या जरूरत थी ढलान पैसे भागने की, कुछ हो जाता तो। जो हो गया तो हो गया ना, रहने दीजिए। थैंक यू मैडम, मेरी वजह से आपने अपनी जान को खतरे में डाल दिया एक अपाहिज के लिए। प्लीज कुछ मत कहिए, आप ठीक तो है ना? ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। सारा कसूर तो उस रेस का था। रेस? हाँ, मोटरसाइकिल रेस। जुनून था मुझे मोटरसाइकिल चलाने का, बहुत बड़ी रेस थी, और इससे पहले कि मैं जीत का कप अपने हाथों में उठा पाता मैं अपना बोझ उठाने के काबिल ना रहा। विनिंग पॉइंट पर मोटरसाइकिल फिसल गई और मेरे पैर की हड्डी कई जगह से टूट गई। बचाओ, 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 ओ मुझे तैरना नहीं आता, ओ बचाओ, बाप, आप बचाओ, बचाओ, बाप, मुझे नहीं आता, बाप। सच बताओ तुम्हें डर ना आता कि नहीं? Yes. I'm gonna kill you. I'm gonna kiss you. I hate you. I love you. तुझे देख के यूं मेरा मुस्कुराना, यूं नजरें मिला के यूं पल के झुकाना, सनम ये प्यार ही तो है। दादे हैं या उड़ गए जी? वो कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है।
मगर रात तक तो वो आ ही जाएगा। तू उसे कह देना कि उसके डैडी के एक दोस्त हैं दीवान महेंद्रनाथ, उनकी बेटी कल आ रही है। नाम है उसका रेनू, डॉक्टर है, यहाँ के पास के किसी गांव में उसकी पोस्टिंग हुई। 3-4 दिन वो यहाँ रहेगी। मैं चाहता हूँ कि वो उससे मिल ले, उसे पसंद कर ले, ताकि दोनों की शादी करवा दे। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी अंकल। क्यों काका? भगवान के लिए मेम साहब चिल्लाइए मत। दरअसल मैं ये समझा ये मेरा घर है। बिल्कुल ऐसा ही था, मैं अपना घर समझ के अंदर आया था। वैसे आप ही का घर है विजय साहब। अरे ये तो वाकई हमारा घर है। ये नया शिकार कौन है भाई? डॉक्टर रेनू। ओ तो आप है डॉक्टर रेनू। इतनी रात गए इस खिड़की से अंदर आने की बजाय आप है। जी मैं समझी नहीं। कहाँ चली गई थी आप? अरे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। एयरपोर्ट पे ढूंढा, एयरस्ट्रिप पे ढूंढा, प्लेन के सीट्स पे ढूंढा, पायलट के कैबिन में ढूंढा, प्लेन के टॉयलेट में ढूंढा, प्लेन के बस 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 विजय सब समझ में आ गया। तू क्या समझा बे? तू क्या बकवास कर रहा है? अरे रेनू समझकर मैंने 2-3 लड़कियों को पकड़ भी लिया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। अरे डैडी के दोस्त की लाडली को अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देता? पर मैंने तो बहुत इंतजार किया, फिर टैक्सी लेके आ गई। चलिए आप आ तो गई। हाँ। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो इसे भूला नहीं कहते। किसकी बात कर रहे विजय? तू अपनी बकवास बंद कर गोपाल, मेरी आंखों के सामने अभी तक प्लेन्स घूम रहे हैं। वैसे मैं रात के 11 बजे तक आपके लिए इंतजार करता। वैसे रात को प्लेन लैंड करता ही नहीं। गुड नाइट गोपाल। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड लक। बाय द वे डॉक्टर रेनू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मन को चैन भी मिला। एनीवे आपने सुबह से कुछ खाया है कि अभी तक भूखी? लव 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 भाग में गया तेरा लव यार। देख तू सीमा को भूल जाओ, रेनू से शादी कर ले। गोपाल मैं सिर्फ सीमा से शादी करूंगा। अकल से काम ले यार, रेनू में क्या खराबी है? पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है। खराबी ये है कि मैं उसे प्यार नहीं करता। कोई पागल ही होगा जो डॉक्टर के साथ शादी करेगा। रात को अचानक घंटी बजी और वो गई किसी मरीज के पास। तुम बैठे रहो उल्लू की तरह, झक मारो। प्यार से उसकी तरफ हाथ बढ़ाए तो नब्ज देखने लगेगी। दिल पर हाथ रखा तो दिल का दौरा समझकर हॉस्पिटल में भर्ती कर देगी। मुंह खोला थर्मामीटर अंदर, और पता नहीं मूड खराब हो गया तो कहां कहां इंजेक्शन ठोक देगी। बकवास बंद कर विजय, सीमा कुछ दिनों के बाद चली जाएगी। उसके बाद सीमा के इश्क का बुखार उतारने के लिए आपको नए शिकार के लिए फिसलेंगे, है ना? नहीं यार गोपाल, ये मेरी जिंदगी का असली और आखिरी प्यार है, शिकार नहीं। और फिर जिस लड़की को मेरे यार गोपाल ने चुना हो उससे मैं प्यार ना करूं, क्या ये मुमकिन है? बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं आप। बस यूं ही कुछ रंग बिखेर देता हूं कोरे कागज के सीने पे। और कोरे कागज के सीने पर एक कलाकार की कल्पना हमेशा के लिए अमर हो जाती है। पर एक बात समझ में नहीं आई। वो कौन सी? ये अर्थी और डोली, दो अलग अलग ख्याल एक साथ। जिंदगी और मौत, रात और दिन, गम और खुशी, ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं। जिंदगी के हार में एक साथ पिरोए हुए, है ना? आप हमेशा तो ऐसे नहीं होते। कैसे? इतने सीरियस? शायद कुछ लम्हों के लिए अपना मुकुट पहनना भूल गया था। कभी तो सीरियस रहा करो विजय, हर वक्त मजाक, हर वक्त शरारत। जिंदगी खुद एक शरारत का नाम है सीमा। मैं एक ऐसा शख्स हूं जो अपने शादी के मंडप पर भी कोई ना कोई शरारत करता रहूंगा। मैं तुम्हें वहां भी चैन से नहीं बैठने दूंगा। जानती हो मैं क्या करूंगा? नाराज हो गई। तुम मुंह फेर लेती हो तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी रूठ गई हो। भगवान ना करे अगर वाकई तुम मुझसे रूठ गई तो मैं मर जाऊंगा। ऐसी बातें मत करना। तुम क्या समझती हो सीमा, कि तुम्हारे जाने से मैं खुश हूं? अरे मैं तो यूं ही मजाक मजाक में अपने आप को बहलाने की कोशिश कर रहा था। सीमा मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, और मैं जल्द से जल्द तुम्हारे डैडी से मिलकर तुम्हें हमेशा के लिए मांग लूंगा, हमेशा के लिए सीमा। चल विजय घर चले। अभी नहीं गोपाल। यार तू क्यों देवदास बना हुआ है? तेरी कहानी को दियन लग चुका है, सीमा जा रही है।
अब तेरा ये नाटक देखने वाला है कोई नहीं। ये नाटक नहीं है गोपाल, तू समझ क्यों नहीं रहा? अगर सीमा चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ खत्म नहीं होगा बच्चे, ये पंछी उड़ जाएंगे तो और नए आ जाएंगे, जिंदगी खत्म नहीं होगी। नई जिंदगी शुरू कर विजय, रेनू आज भी तेरी राह देख रही। नहीं गोपाल, मुझे रेनू की नहीं, मुझे सीमा की जरूरत है। अगर सीमा नहीं होगी तो मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। आई मिस यू सीमा, मुझे खत लिखना। सब लोग आ गए? आए। मैं तुम्हारे खत की राह देखूंगा। ये चिट्ठी आई है। जी शुक्रिया। सीमा, बहुत दिनों के बाद खत लिख रही हूँ, जानती हूँ नाराज होगे। क्या करूँ, पापा से बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। खत लिखकर सारी बात बता दी और फिर खुशखबरी, पापा मान गए। बल्कि वो तुम्हें मिलने आने वाले थे पर बीमारी की वजह से नहीं आ सके। खैर वो तुमसे मिलने आ रहे हैं 26 तारीख को और उसी फ्लाइट से वापस। उन्हें मेरी पसंद पर कोई एतराज नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी भी कर ली है। शादी का मुहूर्त तक निकलवा लिया है, इस महीने की 30 तारीख एयरपोर्ट पहुंच जाना वही सफेद रंग का सूट पहनकर, डैडी पहचान जाएंगे। और देखो प्लीज मेरे पापा के सामने कोई शरारत मत करना, वो दिल के मरीज है। प्यार के साथ तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी सीमा। वाह विजय वर्मा, तुमने तो मुझे भी धोखा दे दिया। मुझे लगा था आग सिर्फ एक तरफ की है, लेकिन ये तो बराबर की है। अब देख मैं तुझे क्या सरप्राइज देता हूं। मिस्टर विजय वर्मा जी। खन्ना साहब। हाँ, और तुम? जी मैं विजय वर्मा। देखा हमने तुम्हें कितनी जल्दी पहचान लिया। हमारी बेटी की चॉइस बहुत अच्छी है, जैसा उसने कहा था तुम बिल्कुल वैसे ही निकले। हमने शादी की तारीख पक्की कर दी है, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? जी नहीं अंकल। तो फिर ठीक है, जल्दी से बारात लेकर आ जाओ और अपनी अमानत ले जाओ। मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो अपने शादी के मंडप पर भी कोई ना कोई शरारत करता रहूंगा। मैं तुम्हें वहां भी चैन से नहीं बैठने दूंगा। जानती हो मैं क्या करूंगा? अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान सा लग रहा है तू। पता नहीं काका, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। दरअसल बेटे, तू गोपाल के बिना उदास रहने लगा है। शायद भगवान करे गोपाल ठीक हो। जवाब नहीं विजय वर्मा की पसंद का। तुम यहां? विजय कहां है? विजय यहां से बहुत दूर अपने घर में। मैं जानती हूँ कि आप मजाक कर रहे हैं, ये जरूर विजय की कोई नई शरारत है। मुझे यकीन था कि वो कोई ना कोई शरारत करेगा, है ना? सुहाग रात को दुल्हन के कमरे में दरवाजा बंद करके सिर्फ उसका पति ही जाता है सीमा, पति का कोई दोस्त नहीं। दुल्हन की सहेलियां और रिश्तेदार सिर्फ दूल्हे को ही दुल्हन के कमरे का रास्ता दिखाते हैं, किसी गैर को नहीं, है ना सीमा? अग्नि के गिर्द फेरे सिर्फ दूल्हा और दुल्हन लेते हैं, दूल्हे का कोई दोस्त नहीं। नहीं, सुहाग रात तो दूल्हे की होती है, किसी और की नहीं। नहीं ये झूठ है, मेरी शादी विजय से हुई है। तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, अग्नि के गिर्द फेरे मैंने लिए थे, विजय ने नहीं। सफेद सूट पहन के मैं गया था तुम्हारे पापा से मिलने, विजय नहीं। उन्होंने आशीर्वाद भी मुझे दिया, विजय को नहीं।
तुम मेरी पत्नी हो सीमा विजय की नहीं। लेकिन मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती। तुम्हारे मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि समाज, हमारे रिश्तेदार, हमारे जानने वालों की नजरों में हम दोनों पति पत्नी हैं। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि तुमने शादी कर ली। गोपाल और शादी, पत्थर जैसा इंसान पिघल जाएगा, ये तो चमत्कार है। अरे यार, हम भी तो देखें उस चांद को जिसने सूरज बनकर हमारे दोस्त को मोम की तरह पिघला दिया। या नहीं यार, तू अंदर चल के देख। क्यों, भाव खा रहा है क्या? जिस सूरज ने तेरे पत्थर जैसे दोस्त को पिघला कर मोम का बना दिया, सोच उसकी रोशनी में इस मोम की पुतली की क्या हालत होगी। भाप बन के भाप से उड़ जाएगा तू। था वो सूरज जिसे तू लेकर आया है मेरे लिए? मुझसे मजाक किया, नौकरी का झूठ मूठ का बहाना किया मेरे लिए? सीमा, इसे कहते हैं दोस्ती और इसे कहते हैं यारी। विजय, तू गलत समझ रहा। विजय, सीमा को मैं तेरे लिए नहीं अपने लिए लाया हूं। सीमा तेरी पत्नी नहीं, मेरी पत्नी है। नाटक नाटक नाटक, अब तो कुछ भी बोल गोपाल। विजय सच्चाई समझ गया। सच्चाई की जिस आईने में तू अपनी मोहब्बत को तलाश कर रहा है वो एक फरेब है। अगर तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं तो सीमा से पूछ ले वो किसकी पत्नी है, तेरी या मेरी। सीमा, बता दो इसे। सीमा, नहीं, ये झूठ है। सीमा, कह दो कि तुम दोनों ने मजाक किया है। कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो। कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो। सीमा, नहीं, की पत्नी हूं, वो मुझे ब्याह कर लाया है। विश्वास करो, मैंने तुम्हें खत लिखा था, एयरपोर्ट पे डैडी से मिलने के लिए तुम्हें बुलाया था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरे साथ क्या होगा। मेरा कोई कसूर नहीं है विजय, सारा कसूर गोपाल का है। गोपाल ने मुझे धोखा दिया है विजय। मैं तो शादी के मंडप पे भी यही सोचकर खुश होती रही कि मेरी शादी तुमसे हो रही है, तुम मेरे पति हो। मैंने आज तक गोपाल को अपना पति नहीं माना। मैं तो अभी यही सोचती हूँ कि तुम मेरे पति हो। तुम मेरे पति हो विजय, तुम मेरे पति हो। सीमा, वाह विजय वाह, क्या बात है। ये बरसात और तूफानी रात सब खामोशी से सो रहे हैं, लेकिन इश्क की आग में जलने वाले दो प्रेमी, क्यों सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं तुम्हें? तू जो सोच रहा है वो सच्चाई नहीं है यार, मेरा यकीन कर। क्या मैं अंधा हूं, कैसे कर लूं तुम्हारा यकीन? अगर तुम्हारी पत्नी कमरा छोड़कर अपने पुराने आशिक के कमरे में जाए तो क्या करते मेरा यकीन? हाँ जरा सोचो, अगर आईने में अपनी सूरतें देखोगे तो चेहरे पे सिर्फ गुनाह ही गुनाह नजर आएंगे। बेहोशी के इंजेक्शन का क्या फायदा उठाया तुम लोगों ने? नफरत होगी तुम दोनों से। तू इस वक्त ठीक से नहीं सोच रहा यार,
गोपाल मुझे तेरे प्यार और तेरी दोस्ती की कसम, यहाँ किसी ने कोई पाप नहीं किया। अगर हमारी दोस्ती का जरा सा भी एहसास बच गया हो तो मेरा यकीन कर। जवाब नहीं विजय साहब का, सरप्राइज, हर बात में सरप्राइज। खत पढ़कर तो मैं डर ही गई थी, अब समझ में आया। शादी पे नहीं बुलाया ना, इसलिए सरप्राइज देने बुलाया है। तुम्हें बहुत मुबारक हो, शादी बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान करे तुम्हारी और विजय की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तुम भी धोखा खा गई ना रेनू, मैं विजय की नहीं गोपाल की पत्नी हूँ। मेरी शादी विजय से नहीं गोपाल से हुई है। क्या? मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ धोखा हुआ है। किसने दिया तुझे धोखा? विजय ने? नहीं, गोपाल ने। गोपाल ने? गोपाल ऐसा भी कर सकता है? उसने तुमसे धोखा किया ये जानते हुए कि तुम उसके दोस्त से प्यार करती हो? उसने अपने दोस्त विजय से धोखा किया? यकीन नहीं आता। जो शख्स इतनी ऊंची ऊंची बातें किया करता था, वो इतनी जलील और गिरी हुई हरकत भी कर सकता है, यही ना रेनू? हाँ। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या बिगाड़ा था इन प्यार करने वालों ने तुम्हारा? अरे इस मासूम ने कौन सा पाप किया था? क्या जवाब दिया है अपने दोस्त की दोस्ती का? अरे जिस दोस्त ने अपनी रगों से खून निकालकर तुम्हारी रगों में जिंदगी भर दी, तुमने उस दोस्त को जीते जी मार डाला। नहीं रेनू, विजय के लिए मौत की नहीं जिंदगी की दुआ मांगो। मैंने हमेशा उसका भला चाहा, उसकी सलामती की दुआ मांगी मैंने। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? ये फूल अच्छा है ना? इसे निकाल दो प्लीज। क्यों? ओह, अब समझी। ये फूल तुम्हें सीमा की याद दिलाता है ना? भगवान के लिए रेनू। भगवान तो मैं तुम्हें समझती थी विजय, तुम्हें एक देवता समझती थी। सोची थी कि तुम इंसान होकर भी इंसानों से कहीं ऊंचे हो। एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी, अपनी मोहब्बत किसी और को सौंप कर भी शांत था, अपना सब कुछ खोकर भी खुश था। कल तक जिसकी पूजा करने का जी चाहता था वो तो एक कमजोर सी मूरत निकला। मेरी जांच की कसौटी पर तो तुम खोटे सिक्के की तरह निकले। अपने दोस्त पे की हुई मेहरबानी, जिसे हम सब तुम्हारी कुर्बानी समझ रहे थे, तुम्हारी खुदगर्जी निकली। ये सच नहीं है रेनू। सच क्या है विजय? क्या ये सच नहीं कि तुमने सीमा को इस घर में गोपाल की खातिर नहीं अपनी खातिर रखा है? नजरों से प्यास बुझा ली तो क्या फर्क पड़ेगा? सब ठीक हो जाएगा यार, तसल्लियां। हारे गया था यार, बहुत दिल लगा दी। तेरी दवा तलाश कर रहा था। दवा? तू भगवान को बहुत मानता है ना, तो मैंने सोचा तू हां मांगने गया होगा। ये ऊपर वाले जल्दी से मेरे दोस्त गोपाल को ऊपर बुला ले। गोपाल तू सीमा से शादी कर सके है ना? ये तू क्या कह रहा है यार? क्यों कर रहा है ये सब? क्यों हमारी दोस्ती और विश्वास के माथे पर तोमत का ये कलंक लगा रहा है? नफरत की वो कौन सी आग है जिसमें हम सब एक साथ जल रहे हैं? हमारे दरमियान वो कौन सी कांच की दीवार है जिसमें से हम एक दूसरे को देख तो सकते हैं मगर छू नहीं सकते? इस घुटन से बाहर आ दोस्त, शक और नफरत के चश्मे को अपनी आंखों से उतार फेंक
अपने चाहने वालों को एक बार फिर से पहचान, उगल दे अपनी आत्मा पर पड़े हुए उस जहर को। गोपाल, मैं वो सारा जहर अमृत समझकर पी जाऊंगा। बोल यार, तेरी बीमारी का इलाज यही है। बोल। ठीक कहता तू, आज ही मुझे कहना है और आज ही तुझे सुनना है। तू किसी रूपा नाम की लड़की को जानता है? रूपा? हाँ रूपा, यही तो नाम था उसका, रूपा। रूपा, एक बार प्यार से तू बोल, प्यार से तू बोल मेरे यार। एक बार प्यार से तू बोल, प्यार से तू बोल मेरे यार। जब एक लड़का किसी लड़की से मिले, उसे हो जाता है प्यार। वो मुंह से तो कुछ भी न कहे, पर दिल तो ये कहता है यार। रूपा, तू उसे कैसे जानता है? वो मेरी अपनी बहन थी। एक मामूली सा इंसान था मैं, लेकिन अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब भाई समझता था। एक ही जुनून था मेरा कि अपनी बहन की डोली को कांधा दूं, अपने लाड प्यार से उसकी खुशियों को पूरा करता रहा। अपनी मेहनत और पसीने की कमाई से उसके दहेज का सामान बनाता रहा। अपनी सीता जैसी बहन के लिए ढूंढता रहा मैं भी किसी एक राम को। लेकिन नजर लग गई, नजर लग गई मेरी बहन को। शायद मेरी अपनी नजर लग गई मेरी गुड़िया को। उसकी सहेलियों की जिद के आगे मैं हार गया और भेज दिया उसे अनजाने शहर में, जहां कोई राम नहीं रहता था। उस मासूम सी कली को वहां भेज दिया जहां एक भवरे ने, उस दिन उस भवरे का नाम दीपक खन्ना था। यही नाम बताया था तूने उसे विजय? कई खत लिखे, लेकिन किसी खत का जवाब नहीं मिला। और मिलता भी कैसे? एड्रेस जो गलत दिया था तूने, मेरे स्वर्ग जैसे घर में तूने आग लगा दी। और तेरा लगाया हुआ फरेब का पौधा उसके अंदर धीरे धीरे बढ़ता गया। उसकी यही मोहब्बत उसके लिए रुसवाई का सामान न बन जाए। रूपा, रूपा, मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली। नहीं, लेकिन मैंने क्या गुनाह किया था गोपाल? सजा मुझे क्यों दी तुमने? कील मेरी छाती में क्यों ठोकते रहे तुम? बोलो। तुम्हारी तो रक्षा की है मैंने, और ना हो सकता था कि तुम भी मेरी बहन रूपा की। मैं तेरा गुनहगार हूं, मैंने तेरी सारी खुशियां लूटी थी। सजा मुझे दे गोपाल, जी भर के सजा दे। यही तो नहीं कर सकता विजय, एक दोस्त बन के तुझे मार नहीं सका और एक भाई बन के तुझे माफ नहीं कर सका। इसलिए मैंने तुम्हारे जुल्म और अपनी जिंदगी के एक मियाद मुकर्रर कर दी। जिस दिन से मैंने सीमा से शादी की, मैंने एक ऐसा जहर खाना शुरू कर दिया जो आदमी के जिस्म को छली कर देता है और जिसका कोई इलाज नहीं। तू नहीं जा सकता, तू नहीं जा सकता मुझे छोड़कर। गोपाल, अगर तू मुझे छोड़कर चला गया तो मेरा सब कुछ छिन जाएगा। मैं अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हूं यार। गोपाल, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। तुम्हारी अमानत गंगा की तरह पवित्र है मेरे पास। गोपाल, सीमा, सीमा।
वादा कर विजय, तू सीमा को अपना लेगा। नहीं, मेरे मन का बोझ हल्का हो जाएगा यार। मैं रूपा के सामने मुंह दिखाने के लायक तो हो जाऊंगा, उसे कह तो सकूंगा कि कुदरत और प्यार के संबंध तोड़े नहीं जा सकते। तू वादा कर, तुझे तेरे गोपाल की कसम, तू वादा कर। मैं वादा करता हूं गोपाल। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा विजय। नहीं यार, विजय मुझे अपने बाहों में समेट ले, मैं तेरी बाहों में मरना चाहता हूं यार। नहीं गोपाल, विजय